इसमें लेड हमारे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। क्या है बेसिकली इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और इसमें कौन कौन सी जो है ना वो डिफरेंट टर्म्स जो है ना हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पॉइजन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक बेसिकली क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जो है ना वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस करें हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली स्टडी है उस तमाम पॉइजन्स की जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। इज स्टडी स्टडी ऑफ पॉइजन्स अराउंड अस। ये क्या है बेसिकली, ये स्टडी है उस पॉइजन्स की जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। एक आम जनरल डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की, इसमें बेसिकली हजार्डियस इफेक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है ना अपने असरात को मुरतब करते हैं। एक जनरल डेफिनेशन बेसिकली क्या है, इसमें क्या है जी, हजार्डियस इफेक्ट्स डैट these poisonous have on human health। ये एक हम लोग जो है ना वो एक जनरल सी जो है ना वो हम लोग डेफिनेशन लेते हैं कि तमाम नुकसान की इफेक्ट्स जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है ना अपने असरात को मुरतब कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग जो है ना जनरल टर्म्स में इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का नाम लेते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें ना, स्पेसिफिकली बात करें, ये थी जनरल वे, ठीक है, स्पेसिफिकली बात करें उसमें आ जाता है इन्वायरमेंट। ये बेसिकली क्या है जी, इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड इनवेरो से निकला है, किससे निकला है, इन वायरोन से निकला है, जिसका मतलब है अराउंड। इसका क्या मतलब है, अराउंड, ठीक है, जबकि लितानी वर्ड से निकला है माइंड, ठीक है, इन वायरोन यहाँ तक हो गया और मिंट यानी कि माइंड इसका मतलब है हमारा जो दिमाग है वो किस लिहाज से किसी भी पॉइजन के ऊपर जो है ना वो अपनी टॉक्सिसिटी या इफेक्ट्स को शो करता है। लितानी वर्ड हमारे पास क्या है जी, हमारे पास वर्ड है मींस, इसका मतलब है माइंड, क्लियर है। फ्रेंच वर्ड है इनवेरोन, जिसका मतलब है अराउंड। नेक्स्ट वर्ड है जी माइंड्स, MENS, इसका मतलब है माइंड, लितानी जुबान के अंदर। ये जो वर्ड टॉक्सिकोलॉजी है ना, ये ग्रीक वर्ड टॉक्सिन से निकला है। वर्ड कौन सा जी हमारे पास, टॉक्सिकोलॉजी, कहाँ से निकला है, ये ग्रीक जुबान से निकला है, लतीनी जुबान से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड टॉक्सी कौन से निकला है, ग्रीक वर्ड टॉक्सी कौन से निकला है, और टॉक्सी कौन बेसिकली एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसमें एरोहेड्स को डिप्ट किया जाता है, क्लियर है, और स्फिक्स इनके लोगो, जिसका मतलब है ग्रीक्स वर्ड लोगोस, इसका मतलब है नॉलेज एंड स्टडीज। टॉक्सिकोन बेसिकली क्या है जी, हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहाँ से निकले हैं, ग्रीक वर्ड से टॉक्सिकोन से, जिसका मतलब है पॉइजनियस सब्सटेंस, पॉइजनियस सब्सटेंस इनटू विच एरो heads were dipped, ठीक है,
और नेक्स्ट देखे ना, टॉक्सिकॉन हो गया। अब नेक्स्ट जो स्फिक्स है ना हमारे पास फिलहाल, जो क्या है जी हमारे पास स्फिक्स, दैट इज द लॉगी, दिस इज द स्फिक्स। ये जो लॉगी है ना, इसका मतलब है हमारे पास ट्रीट्स के किस तरह हम लोग जो है ना इसको स्टडी करते हैं, कि पॉइजन्स को किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, या फिर किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। क्लियर? कुछ जो टॉक्सिकोलॉजी टर्म्स है ना वो बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं, ठीक है, और कुछ किसी की स्पेसिफिसिटी होती है जो कि अलाउ करती है एक्यूरेट कम्युनिकेशन को। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ना पॉइजन्स की, किसके हवाले से अगर हम लोग देखें, पॉइजन्स को देखें, पॉइजन्स ये सब्सटेंस है जो कि रिलेटिवली स्मॉल डोजेस में मौजूद होते हैं, और इसने क्या करना होता है, इसने डिस्ट्रॉय करना होता है लाइफ को, या फिर इसने सीरियसली इम्पेयर कर देने होते हैं सेलुलर फंक्शंस को। पॉइजन्स का क्या मतलब है, ये सब्सटेंस है, सब स्टांसेस हैं जो क्या होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल डोजेस में मौजूद होते हैं, स्मॉल डोज मौजूद होते हैं, और इसका मकसद क्या होता है, इससे क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है लाइफ को, डिस्ट्रॉय लाइफ को करना होता है। ना सिर्फ इसने डिस्ट्रॉय करना होता है, बल्कि ये भी क्या कर सकता है, सीरियसली सीरियसली क्या कर सकते हैं, इम्पेयर कर सकते हैं सेलुलर फंक्शंस को। क्लियर? और बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है पॉइजन्स की, जिसमें जो है ना कुछ नेचुरली पौधों में पाए जाते हैं, कुछ जानवरों में नेचुरली, न सिर्फ जानवरों में बल्कि कुछ जो है ना वो नेचुरली मिनरल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं पॉइजन्स। क्लियर है? और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि नेचुरली ही पॉइजन एग्जिस्ट करते हैं, मैन मेड भी पॉइजन जो है ना वो पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट है लेबोरेटरी सिंथेसिस का। अब मजीद हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, टॉक्सिन्स की। टॉक्सिन्स क्या है हमारे पास, ये भी पॉइजन सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होते हैं प्लांट, एनिमल या फिर बैक्टीरिया वगैरह से। पॉइजन हो गया, इसके बाद हम किसके हवाले से देखने जा रहे हैं, टॉक्सिन्स के बारे में। ये भी क्या है जी, पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनियस सब्सटेंसेस हैं जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया। अगर तो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्लांट से निकला है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइटोटॉक्सिन। किसका नाम देते हैं जी, फाइटोटॉक्सिन का नाम देते हैं। अगर तो वो एनिमल से निकला है, दैट इज दी जू टॉक्सिन्स, और अगर तो वो बैक्टीरिया से निकला है, डेट इज दी बैक्टीरियो टॉक्सिन्स। क्लियर है? ये है था बेसिकली टॉक्सिन्स। पॉइजन्स मैंने कहा कि सब्सटेंस है, उसकी थोड़ी सी भी डोज होगी ना वो डिस्ट्रॉय करेगी लाइफ को, या फिर सीरियसली जो है ना वो इम्पेयर करेगी सेलुलर फंक्शंस को। क्लियर है? टॉक्सिन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जिसमें प्लांट है तो फाइटोटॉक्सिन है, एनिमल है तो जू टॉक्सिन है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियो टॉक्सिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक की, ये था टॉक्सिन्स। नेक्स्ट हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं टॉक्सिक की। टॉक्सिक क्या है जी, टॉक्सिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग कहते हैं कि इसने डिस्ट्रॉय करना है या फिर इम्पेयर कर देने हैं सेलुलर फंक्शंस को।
व्हेन इन एक्ट, जब टॉक्सिन जो है ना वो अपना किरदार अदा करता है, यानी कि एक्ट करता है। टॉक्सिक क्या है जी? टॉक्सिक जब भी पॉइजनस ने अपना रद्दअमल शो करना है तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है या फिर इम्पेयर भी हो सकते हैं सेलुलर फंक्शंस, डिस्ट्रॉय या फिर इम्पेयर सेलुलर फंक्शंस। क्लियर है जी? टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिन्स पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, जबकि टॉक्सिक उस वक्त कहा जा सकता है जब टॉक्सिन ने अपना जो है ना वो रद्दअमल शो करना है। जब टॉक्सिन अपना रद्दअमल शो कर लेगा तो उसके नतीजे में टॉक्सिक इफेक्ट होगा, यानी कि वो कुछ ना कुछ जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करेगा या फिर जो है ना वो सेलुलर फंक्शंस को जो है ना वो खराब करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विनोम की। विनोम हम लोग रेफर करते हैं किसी भी पॉइजनस सब्सटेंसेस को जो कि सिक्रीट होता है, जो कि खारिज होता है सर्टन एनिमल से, जिसमें ये मक्खी भी हो सकती है, इनके बीज स्पाइडर्स भी हो सकते हैं, फिर स्नेक वगैरह। ये क्या है जी? पॉइजनस सब्सटेंस है। पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? प्रोड्यूस्ड पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? जो प्रोड्यूस्ड हुआ है किसी भी एनिमल से, प्रोड्यूस कह लें, सिक्रीट कह लें, बेसिकली इसमें रेफर्स टू पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय सर्टन एनिमल्स, सिक्रीटेड बाय सर्टन एनिमल्स, सर्टन एनिमल्स। क्लियर है जी? इसमें किसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास? बीज, बीज हैं, स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर्स हैं, और इसमें आ जाते हैं स्नेक्स। जब सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं सेप्टम्स को, और पर्टिकुलरली रेफर्ड उसको किया जाता है इन टॉक्सिकेशंस में, यानी कि वो पॉइजनिंग जो है ना वो कास कर लेते हैं, अपना इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब टॉक्सिन हो जाता है, टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या बेसिकली होता है? सेप्टम्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती है? सेप्टम प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम लोग टॉक्सिकेंट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? टॉक्सिकेंट्स का, टॉक्सिकेंट्स का, टॉक्सिकेंट्स हम लोग किसको कहते हैं जी? जब सब्सटेंसेस प्रोड्यूस सेप्टम्स दैट आर पर्टिकुलर रेफर्ड टू एज इंटॉक्सिकेशंस या फिर पॉइजन्स। क्लियर है जी? सब्सटेंस, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस सेप्टम्स दैट आर पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली रेफर्ड टू एस इंटॉक्सिकेशन। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं टॉक्सिकेंट का नाम देते हैं। क्लियर है? कुदरती पाए जाने वाले जो टॉक्सिकेंट्स है ना, इसके साथ साथ वो तमाम टॉक्सिकेंट्स जिसमें जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ना वो शामिल होती हैं, उसको तैयार भी किया जाता है, और उस केमिकल का इस्तेमाल जो है ना वो इंडस्ट्री में भी किया जाता है और एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। अब बात करते हैं ज़ीनोबायोटिक्स की। ज़ीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, कि कोई भी अजीबो गरीब या बाहर वाला, स्ट्रेंज यानी कि अनजान,
जीनो बायोटिक्स, ये क्या है? जीनो का क्या मतलब है? कोई भी स्ट्रेंजर, बायोटिक का मतलब होता है परटेनिंग टू लाइफ, जिस जो के लाइफ को पैदा कर सके, परटेनिंग टू लाइफ, इसमें यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी जर्म्स मौजूद हो जिससे शो हो के वो उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, परटेनिंग टू लाइफ। जीनो वर्ड पे हम लोग फोकस करते हैं तो हम लोग आसानी से जो है ना वो टर्म्स को याद कर सकते हैं। जीनो के क्या मतलब होता है? स्ट्रेंजर, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है, जीनोज हो गया, बायोटिक्स, बायोटिक पर टेनिंग टू लाइफ। इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस शामिल हैं? इसमें बेसिकली टॉक्सिकेंट्स शामिल हैं, वो तमाम टॉक्सिकेंट्स जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं किसी भी जानदार के अंदर, डेट आर नॉट टॉक्सिकेंट्स, नॉट नेचुरली प्रोड्यूस, क्योंकि कुदरती तौर पर किसी भी जानवर के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजम्स, ठीक है। अब मैं कुछ मजीद टर्मिनोलॉजी आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ, सिर्फ वन डैट इज, देखें जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की जो वोकैबुलरी की जो लर्निंग है ना, वो हम लोग को इस बात की अलो करती है कि हम लोग इफेक्टिव और एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर सकें। इसमें हम लोग बात करते हैं एथिमोलॉजी की, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं वर्ड के ओरिजिन के बारे में, एथिमोलॉजी बेसिकली क्या है जी? स्टडी है वर्ड ओरिजिन के बारे में, स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन। इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं स्टडी करते हैं वर्ड के ओरिजिन में। मेजॉरिटी जो है ना इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की जो टर्म्स हैं उनकी जो ओरिजिन है वो क्लासिकल ग्रीक है, न सिर्फ क्लासिकल ग्रीक है बल्कि लैटिन भी है, लतीनी भी है। इसके साथ साथ हम लोग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, इसमें डेड लैंग्वेजेस जो है ना वो सोर्स है बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स का जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। अब इसके साथ साथ ये न्यू डिसिप्लिन में गोताजन है, बेसिकली ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, ये न्यू ब्रांच है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, तो उसके लिए जो है ना हम लोग को वोकैबुलरी को भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ हम लोग जो है ना वो डेफिनेशंस भी याद करें। अब ये जो नॉलेज है ना बेसिकली हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, ये सब्सिक्वेंटली जो है ना वो रिड्यूस कर देते हैं उस टाइम स्पेंड को जो कि लर्निंग रख रहा होता है न्यू वर्ड्स के ओरिजिन के बारे में। आमतौर पर जो साइंटिफिक टर्म्स है ना उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रीफिक्स जिसमें हम लोग कंबाइनिंग फॉर्म करते हैं, यानी कि एथिमोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है नॉलेज या हम लोग जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं, और यानी कि ओरिजिन, ठीक है, स्टडी का ओरिजिन, जिसमें जीनो था तो हम लोग कह दिया कि स्ट्रेंजर है, एक क्या था हमारे पास स्पीक, एक था हमारे पास प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि वर्ड से पहले, और नेक्स्ट है स्पिक्स दैट इज द बायोटिक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए हम लोग को जो है ना वो ये याद करने का जो है ना वो जरिया है कि हम लोग जो है ना वो स्टडी ओरिजिन यानी कि वोकैबुलरी भी जो है ना वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की टर्म्स के साथ साथ जो है ना वो इंक्रीज करें। जैसे हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर, अगर मैंने बात की कि बैक्टीरिया टॉक्सिन की बात की तो बैक्टीरियो टॉक्सिक हो गया, प्रीफिक्स था और एक सफिक्स था, ठीक है, और एनिमल था तो वो जू टॉक्सिन था, प्रीफिक्स था जू और टॉक्सिन था सफिक्स। प्लांट्स में फाइटो था प्रीफिक्स यानी कि वर्ड से पहले, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी को डिफाइन करें, अगर ये टॉक्सिन है तो वो पहले वाले के बारे में बता रहा है कि जू यानी कि प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है, और टॉक्सिन समझ तो आ गया लेकिन किसकी टॉक्सिसिटी, फाइटो की यानी कि प्लांट्स की, प्रीफिक्स के बारे में उसने बता दिया, यानी कि जो पहले से ही मौजूद है यानी कि जो होगा सफिक्स वो प्रीफिक्स के बारे में जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा कि किस लिहाज से जो है ना वो टॉक्सिसिटी शो करनी है। ये था बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी कि एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली है क्या। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट दी
टर्म्स डेट यूजली कन्फ्यूज स्टूडेंट्स. क्लियर है? पॉइजन है उससे सब्सटांसिस हैं जो कि स्मॉल डोजेज में होगी उससे डिस्ट्रॉय करना है. टॉक्सिन है तो बेसिकली वो प्रोड्यूस हो सकता है. टॉक्सिक्सी है कि उससे अपना ही फंक्शनल है और अपने ही जो है ना वो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन पॉइंट्स हैं. थैंक यू सो वेरी मच.